नमस्कार दोस्तों, या एंटरटेनमेंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले आपको बता देते हैं कि वीडियो में क्या क्या होने वाला है। कश्मीर के दौरे पर हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी गए थे, वहां पे उनका भाषण चल रहा था। उस भाषण के बीच में उन्होंने पाकिस्तान को साफ साफ शब्दों में, वहाँ के जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं उनको साफ साफ चेतावनी देते हुए कहा है कि तुम ज़्यादा हमारे दिक्कत करोगे तो जो चीज़ हम एक महीने में लेने वाले हैं वो एक हफ्ते में ही ले लेंगे, उनका साफ साफ इशारा था। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी भूलिएगा। फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। शायला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर के अंदर एक कामयाब जलसा करके कश्मीर के इशू को फिर से हाईलाइट कर दिया और इस दफ़ा पाकिस्तान भी शामिल है। मोदी साहब का कहना है कि कांग्रेस और पाकिस्तान का जो एजेंडा है कश्मीर को लेके एक ही है, क्योंकि ये बयान खुद पाकिस्तान के जो है डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने दिया है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कश्मीर जो है इस वक्त वोटिंग दे रहा है, अपना जमहूरी हक इस्तेमाल कर रहा है, कश्मीर बदल रहा है और पाकिस्तान को मशवरा ये दिया जा रहा है कि कश्मीर के मामले में आप जितनी जल्दी हो गए ना सरेंडर कर दे तो बेहतर है। तो मोदी साहब ने फिर से वार्निंग दी है, स्ट्रेट वार्निंग दी है पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर को, इसके साथ साथ कांग्रेस को। सो आवाम की तरफ बढ़ते हैं और उनसे पूछते हैं क्या पाकिस्तान और कांग्रेस का एजेंडा कश्मीर को लेके वाकई एक है। नहीं मैं आपको मजे की बात बताऊं, ये कश्मीर से हैं, वो कह रहे हैं हमें हमारे राइट्स नहीं दिए जा रहे, आप कह रहे हैं कि वो सारा कुछ इनको बिजली फ्री दे दी, अभी हम तो 70 रुपए यूनिट दे रही हैं। बिजली तो हमने अपने दम पे ली है ना। इसके अलावा क्या दिया? एजुकेशन दी। इसके अलावा एजुकेशन के अलावा गंदम जो ले गए पंजाब की, 2000 रुपए मान आटा ले गए। हां जी बताएं भाईजान। भाईजान हम पैसे दे के ले रहे हैं, हम फ्री तो नहीं ले रहे। अगर वो कहते हैं कि पानी हमारे उधर से आता है कश्मीर से और आप बिजली बनाते हो तो फिर आप क्या जवाब देंगे? ये बंद बांध ले आगे पैसे, वो जबरदस्ती आता है। इनकी खातर हमारी फौजें जान दे रही, ना इनके पास फौज है ना कुछ है, हमारी फौजें इनके लिए कुर्बानियाँ दे रही, मुजाहिदीन कुर्बानियाँ दे रहे हैं। मुजाहिदीन क्या कुर्बानियाँ? कुर्बानी इनकी आजादी के साथ लड़ रहे हैं, इनके साथ लड़ रहे हैं जी, इनके शाना बशाना लड़, इनके पास है क्या? ना असला है, ना पानी है, ना खुराक है, हमारे मुजाहिदीन इनके ऊपर। आप किसी में अकेले आर्मी नहीं है, हमारे नौजवान भी आर्मी में शामिल है, आपके अकेले आर्मी नहीं है, मुजाहिदीन हमारे भी शामिल है आर्मी में। हमें ना बेसिकली इंडिया से ना कश्मीर को हमें आजाद करवाना चाहिए तुमसे ना हो पाएगा पहले। अच्छा, और जो मोदी हमारे बारे में कह रहा है कि लोग मतलब आटे की वजह से लोग परेशान हुए हैं तो ये कश्मीर को कैसे आजाद करवाएंगे, तो उनको मैसेज यही है कि इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि हम कश्मीर को भी आजाद करवा लेंगे। और वो दिन कब आएगा? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हाँ जी, अब आप देखना, अच्छी बात है लेकिन अगर हो तो फिर है, लेकिन कश्मीर। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? अलग मुल्क बनेगा इंशाल्लाह। ठीक है, ये देखें पाकिस्तान साइड में ये हमारे साथ रहना नहीं चाहते, ये तो ऐसे तो फिर मैं वही कह रहा हूँ, एक साइड पे हम कहते हैं कश्मीरी हमारे साथ है, हम तो खुद पागल हो कंफ्यूज हो गए। ये आजादी लेके करेंगे क्या? क्या इनके क्या पास करेंगे भाई आजादी लेके? हमने क्या कर लिया 1947 को आजादी लेके? हमने क्या कर लिया जो आप देख रहे हैं? बांग्लादेश भी एक अलग से बात बना, वो देख रहे हैं उनकी करेंसी हमसे ज्यादा हो गई है ना। हाँ जी, इसी तरह आपका भी एक मुल्क बना था, बना बनाया तो नहीं मिला था आपने बनाया, इस तरह हमारा मुल्क भी इंशाल्लाह बनेगा। ठीक है, हां खाते इधर से आए, पीते इधर से आए, मुल्क को कैसे चलाएंगे, वोट कैसे करेंगे? तालीम उधर इंजीनियर उधर नहीं है, फैक्ट्री उधर नहीं है, कैसे हालात कश्मीर के? सबसे पहले तो हम इंडिया वालों को बता देंगे, हमारे लिए तो उनको यही पैगाम है कि 1971 की जंग हुई है, जितनी भी हमने जंगे लड़ी है उनमें हमारा सिक्का भारी है, मतलब उनके 36 सूबे हैं, हमारे 4 सूबे हैं सिर्फ। अच्छा, तो हम 4 सूबे जो है उनकी 36 सूबे पे भारी रहे हैं। राजनीति से दूर रहना चाहिए, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। यानी जितनी भी जंगें हुई हैं वो हम जीते हैं? कुछ जंगें हैं हमारी, हम शिकस्त भी हुई है उनमें। टोटल कितनी जंगें हुई हैं हमारी उनके साथ? 4 जंगें हुई। 4? कितनी जीते कितनी हारे? मेरा ख्याल 3 हम जीते थे। नारा लगाते हैं कश्मीर बनेगा? नहीं जी, मैं तो नहीं लगाता हूं। क्यों नहीं लगाते आप? नहीं लगाता हूं, मुसलमान ही नहीं हम लोग। हां मुसलमान होते तो लगाते ना, मुसलमान होते तो नारा लगाते। क्या नारा लगाते? हमारे पाकिस्तान जो आजाद कश्मीर को आजाद करो, हम सारे मुसलमान हैं। आजाद कश्मीर को आजाद करो। कश्मीरियों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है। कौन कर रहा है? जो भी कर रहा है। कौन कर रहा है आपको पता है? ये पता है जुल्म हो रहा है, ये नहीं पता कौन कर रहा है। गजब बेइज्जती है कश्मीर वाले।
ये पता है कि जुल्म हो रहा है उनके ऊपर। अच्छा ये देखे ऐसी भी पब्लिक मौजूद है। कुर्बानियाँ सिर्फ आप ही नहीं दे रहे, हमारे मकबूजा कश्मीर अवाम ने कुर्बानियाँ दी, इतनी पाकिस्तान अवाम ने कुर्बानियाँ नहीं दी। सारा एग्जाम्पल मेरा घर इधर है, मेरे पास असला नहीं है, खाने के लिए खुराक नहीं है, मेरा हमसाया कहता है यार आओ यार फौज मेरी, पानी मेरा, खुराक मेरी, पैसा मेरा, आपको तो एक मिनट में वो कब्जा करके बैठ दे, कहीं इधर से निकलो, क्या करोगे? इंडिया के साथ जाना चाहते हैं असल में ये, वो क्योंकि आपको गुलामी चाहिए। नबी पाक फरमाते हैं अल मुस्लिम इख्वा तो मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है, आप जब भी डालें ये भी मुसलमान डालनी है यार। जी तो दोस्तों मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि इंडिया साइड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं। पहले फेज में 59% कश्मीरियों ने वोटिंग में हिस्सा लिया और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। हिस्ट्री में पहली दफा इतना ज्यादा वोटिंग टर्न आउट हुआ है। अनेक सीटों पर पिछली बार की वोटिंग के रिकॉर्ड टूट गए हैं। ये नया इतिहास आपने रचा है, ये नया इतिहास जम्मू कश्मीर के लोगों ने रचा। इनका तो बस दिमाग खराब हुआ हुआ है कि ना इनसे ये हुकूमत होती है, अपना तो हाल ठीक नहीं कर सकते। हाँ, ठीक है, अपने डिफेंस मिनिस्टर को पता नहीं है, बंदर की तरह उधर आम खा रहा था निकर पहन के, ठीक है, ईद पे अपनी हालत तो सही नहीं करते हैं। और दूसरे इतनी बड़े इंडिया को अब सुपर पावर बनने जा रहा है, उनको मशवरे दे रहा है आप ऐसे कर लो, भाई तुम्हें क्या तकलीफ है भाई, आप वो इंडिया जाने और कश्मीर जाने, 75-76 सालों से हमने कश्मीर तो बेचा है, चूरन तो बेचा है, तो लिहाजा अब इन बातों से कुछ भी नहीं रखा। आप अपने मुल्क के हालात ठीक करें, आपके देखे अब तराने पर भी अफगानी नहीं उठते, उस पर भी आप रोते हो, आपके बच्चे आपके पीछे नहीं आते उस पर भी रोते हो, आपकी बीवी नहीं मानती तब भी रोते हो, छोड़ दो इंडिया का नाम लेना। हाँ। अब अपने आप को ठीक करो। हाँ। दफा करो, इंडिया जाने उनके काम जाने। हाँ। अपने मुल्क के हालात ठीक करो। हाँ, अब तो इंडिया भी कह रहे हैं कि भाई कश्मीर कश्मीर करना बंद करो, अगर बात करनी है तो कश्मीर को बंद करो। और कई टाइम से पाकिस्तान की हुकूमत ने कश्मीर कश्मीर बंद भी कर दिया है कि शायद इंडिया हमसे बात कर ले, लेकिन इंडिया तो अभी भी नहीं लिफ्ट करा रहा। देखिये ये अभी ईद मिलादुन नबी थी और इसने बयान दिया नवाज शहबाज शरीफ ने, जी हम इंशाल्लाह फलस्तीन को भी आज़ाद कराएंगे। अच्छा। हम इंशाल्लाह कश्मीर को भी आज़ाद कराएंगे। हाँ, और तुम तो अपने बच्चों को आज़ाद नहीं करा सकते हो, तुम तो अपने बच्चों को कायल नहीं कर सकते कि पाकिस्तान आ जाओ, पाकिस्तान मुसीबत में, अपने भतीजों को नहीं ला सकते हो, अपने भाई का इलाज नहीं करा सकते हो, और कश्मीर को कैसे आज़ाद कराओगे? अंकल मोदी साहब ने एक हफ्ते में कश्मीर के अंदर दो कामयाब जलसे कर लिए, कश्मीर के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, कश्मीर के अंदर जमहूरियत जन्म ले रही है 2019 के बाद, और पाकिस्तान बस जो है ना इधर उधर की, कभी कह रहे हैं हम कांग्रेस के साथ खड़े हैं, कभी कह रहे हैं हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ खड़े हैं, करने वाले तो अपना काम कर चुके हैं कश्मीर में। देखें जो कहते हैं ना गरजते हैं वो बरसते नहीं है ना। हाँ। ये सिर्फ गरजते हैं बरसते नहीं है, इन्होंने कुछ भी नहीं करना। अगर करना होता है, जब कोई काम करता है ना, कोई बताता नहीं है किसी को। हाँ। कि मैं अभी ये काम कर चुके होते हैं, फिर पता चलता है कि क्या। हाँ। काम हुआ है। इन्होंने कुछ भी नहीं करना, ये अपनी सिर्फ हमारी रमज को पकड़ते हैं पाकिस्तानियों को, कि जी जज्बाती कौम है, मसाले खाती, इधर सारे लोरिये मसाले तेज़ खाते हैं, दिमाग इनके तेज़ है मेरे समेत, ठीक है, तो बस ये कहते हैं जी हम कश्मीर ले लेंगे। हाँ। हम मुसलमानों को आज़ाद करा लेंगे। हाँ। हम फलस्तीन को करा दें। ओ भाई तुमसे कच्चे का इलाका नहीं संभाला जाता, तुमसे वजीरिस्तान नहीं संभाला जाता, तुमसे बनू नहीं संभाला जाता। हाँ। तुमसे कोयटा नहीं, ग्वादर नहीं संभाला जाता, और तुम बढ़ के इतनी मार